हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। हम करते हैं आपके साथ कुछ खास बातें अपने देश और राज्य के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए खास बात चैनल को और बने रहिए खास बात के साथ। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम मुजफ्फरपुर जिले के बारे में, जो कि बिहार के 38 जिलों में से एक है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला जनसंख्या के मामले में बिहार का तीसरा सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल के मामले में 10वां सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों इस जिले का बॉर्डर उत्तर में पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से, दक्षिण में वैशाली और सारण से, पूर्व में समस्तीपुर एवं दरभंगा से तथा पश्चिम में गोपालगंज एवं सारण जिला से मिलती है। दोस्तों यह जिला अपनी सूती वस्त्र उद्योग, लोहे की चूड़ियां, आम और लीची जैसे फलों के अच्छे उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रख्यात है। दोस्तों आज जानेंगे मुजफ्फरपुर जिले के बारे में कुछ नया जो शायद आप नहीं जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। मैं हूं आपके साथ सौरभ झा। चलिए करते हैं कुछ खास बात मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों मुजफ्फरपुर वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। इस जिले की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 1972 तक इस जिले में शिवहर, सीतामढ़ी तथा वैशाली जिला भी शामिल था। दोस्तों इस जिले के तहत दो अनुमंडल आते हैं जिसमें 16 ब्लॉक शामिल हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले का नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर कॉमर्शियल और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दोस्तों मुजफ्फरपुर का इतिहास काफी प्राचीन है। इसका इतिहास रामायण काल के महाराजा जनक से जुड़ा हुआ है। तिरहुत मिथिला का ही दूसरा नाम है। दोस्तों मिथिला शासकों के पतन के बाद यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में और बाद में यह दरभंगा महाराज के नियंत्रण में चला गया। दोस्तों यह अपने कला और संस्कृति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों इस जिले को लैंड ऑफ लीची कहा जाता है, यानी लीचियों की धरती। दोस्तों लीचियों में यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ तक भारत की राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भी यहाँ की लीची भेंट के रूप में भेजी जाती है। और दोस्तों स्वादिष्ट फलों के अच्छे उत्पादन के लिए इसे स्वीट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ का थर्मल पावर प्लांट देश भर के महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक है। दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल 3173 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 48 लाख के आसपास थी, जो वर्तमान में 55 से 65 लाख के बीच हो सकती है। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या में हिंदू 77.65%, मुस्लिम 21.07% तथा 1.3% के अंतर्गत अन्य धर्म के लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ की लिंगानुपात 900 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे यहाँ 900 महिलाएं आती है और यहाँ की साक्षरता दर 63.4% के आसपास है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एवं लखनदेई आती हैं। दोस्तों हिंदी तथा मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है तथा बज्जिका यहाँ की स्थानीय बोली जाने वाली भाषा है। और दोस्तों यहाँ के दर्शनीय स्थलों में बसो कुंड, जुब्बा शाहनी पार्क, गरीबनाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो मैं किस जिले पे बनाऊं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं कमेंट करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।